लगा हुआ एक्ट हट गया है। अल्पेश यादव पर एनडीपीएस एक्ट लगा हुआ था जिसे हटा दिया गया। अल्पेश यादव पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अल्पेश यादव के बाकी साथियों की पुलिस तलाश कर रही है और अल्पेश यादव के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो मशहूर यूट्यूबर अल्पेश यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। अल्पेश के खिलाफ पुलिस ने जांच बढ़ा दी है तो वहीं अल्पेश पर लगा हुआ एनडीपीएस एक्ट हटा भी दिया गया है क्योंकि वो गलती से लगाया गया था। पुलिस का कहना है कि जब अल्पेश यादव को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया तब उन पर गलत धारा लगाई गई। अल्पेश के वकील ने बुधवार को कोर्ट में अर्जी देकर धाराओं में दोष को लेकर के कोर्ट को अवगत कराया जिसके बाद पाया गया कि अब पुलिस ने अपनी जो जवाबी है जो कार्रवाई है उसमें एनडीपीएस एक्ट हटा दिया है। अल्पेश यादव नोएडा के जेल में बंद है। अल्पेश के घर के बाहर पूरी तरह से सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां अल्पेश यादव पर एनडीपीएस एक्ट जो लगा हुआ था वो हटा दिया गया है। अल्पेश यादव पर एनडीपीएस एक्ट हटा दिया गया है और उसके बाद कार्रवाई अब आगे जारी है। तारीख को मशहूर यूट्यूबर व ओटीटी 2 के विनर अल्पेश यादव की गिरफ्तारी नोएडा पुलिस ने नोएडा से की थी और उसके बाद जो तमाम जो जांच है वो नोएडा पुलिस द्वारा की जा रही है। उसके बाद नोएडा पुलिस कई बार गुरुग्राम आकर भी सबूत जुटा चुकी है और जो अल्पेश यादव है वो अभी सलाखों के पीछे है। ऐसे में हम अल्पेश यादव के घर के बाहर खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ यहां पर अपने उसके फैंस का तांता लगा रहता था तो आज ये मकान जो है वो सुनसान नजर आ रहा है। हालांकि वजीराबाद के सेक्टर 57 में भी उनका एक मकान है मगर बताया जा रहा है कि उनका परिवार है वो ही यही इसी मकान में मौजूद है और किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है। उनके पिता बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं क्या एक बाप से ज्यादा कोई दुखी हो सकता है। तो ऐसे में वो कैमरे के सामने आने से अब दूरी बना रहे हैं। अल्पेश यादव के ऊपर जो सांपों का जो जहर है उसकी तस्करी का जो है आरोप के तहत मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे के तहत अल्पेश यादव की गिरफ्तारी की गई है और इस पूरे मामले के अंदर अल्पेश यादव के जो दोस्त थे उनको भी नोएडा पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है और 120B के तहत जो है कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। लगातार इस पूरे मामले की जांच जो है वो यूपी पुलिस जो है संभाले हुए है। यूपी पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आपको बता दें कि अल्पेश यादव की जो गिरफ्तारी है वो 17 तारीख को नोएडा से की गई थी और नोएडा के अंदर ही कुछ समय पहले अल्पेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। ये पहला मुकदमा अल्पेश यादव का नहीं है बल्कि इससे पहले भी गुरुग्राम के अंदर एक मारपीट का मुकदमा अल्पेश यादव के खिलाफ दर्ज हुआ था मगर ऐसे में फिलहाल जो जांच की आंच है वो अल्पेश यादव तक पहुंच गई और अल्पेश यादव के बाद जो अल्पेश यादव के जो दोस्त हैं उन तक भी जांच जो है की जा रही है और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जो यूपी पुलिस एक बार फिर गुरुग्राम आने वाली है और आकर के यूपी पुलिस जो है अल्पेश यादव के जो और जो बड़ा सर्कल है उसमें भी जो है पूछताछ कर सकती है। एक मशहूर सिंगर का नाम भी जो है लगातार आज सामने आ रहा है हालांकि अभी तक यूपी पुलिस ने उस नाम को लेकर के पुष्टि नहीं की है जिस वजह से हम भी उस नाम को अभी नहीं बता पाएंगे मगर ये जरूर माना जा रहा है कि इस पूरे रैकेट के अंदर अल्पेश यादव अकेले जो है सांपों के जो चेहरे उसकी तस्करी के कारोबार से नहीं जुड़ सकते हैं बल्कि उसके साथ कोई ना कोई और भी लोग होंगे। उन सभी लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए जो यूपी पुलिस है लगातार जांच कर रही है। कॉल्स जो कॉल्स थे उनको खंगाला जा रहा है और ऐसे में दो ऑडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है गर्माता नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि यूपी पुलिस अब गुरुग्राम कब आती है और गुरुग्राम आकर के किस तरीके के सबूतों को जुटाती है और क्या कुछ निकल कर इस पूरे मामले के अंदर सामने आता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़।